नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। दिन के एक बज चुके हैं और जब भी बचता है एक, हम हाजिर होते हैं लेकर के आपके बीच अब की बार किसकी सरकार। तो अब की बार किसकी सरकार में आज हम बात करेंगे पंजाब की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फरवरी से लेकर मार्च के बीच में 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, जिनमें से पंजाब की सियासत इस समय काफी गर्म दिख रही है। यहाँ पे कब क्या होगा कुछ पता नहीं चलता। कहा जाता है कि यदि लंका में विभीषण ना होते तो शायद रावण का संहार ना होता। ठीक उसी तरह से, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन लोग कह रहे हैं कि यदि पंजाब में सिद्धू ना होते तो राजनीति का मजा ही ना आता। तो ये है पंजाब की राजनीति, और पंजाब की राजनीति किस करवट बैठेगी ये हम नहीं बता सकते। ये आप हमसे भी ज्यादा समझदार हैं क्योंकि आप जनता जनार्दन हैं। तो इस समय पंजाब की जो सबसे बड़ी सियासत गर्म हुई है वो हुई है बेअदबी पर सियासत। जी हाँ, बेअदबी पर इस समय सियासत बिल्कुल गर्म हो गई है। मौसम तो ठंडा है लेकिन सियासत गर्म हो गई है। तो अब हम बात करेंगे कि 2022 चुनाव से पहले फिर बना सबसे बड़ा मुद्दा, इस समय बेअदबी का जो मुद्दा है वो पंजाब में सबसे बड़ा बन चुका है। और इसी पर कमेंट करते हुए सुखबीर बादल ने सीएम चन्नी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। तो आरोप क्या लगाए हैं, इन सारी बातों पे हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि इस समय पंजाब की सियासत किधर जा रही है और पंजाब में इस बार किसकी सरकार बनेगी। खींचतान जारी है, हालांकि ये तो चुनावी संग्राम है और चुनावी संग्राम होगी तो खींचतान तो होगी ही। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद अब 2022 में चुनाव से पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर बड़े स्तर पर आरोप प्रतिरोप लगा रहे हैं। उसी में नवजोत सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता करने के बाद बुर्ज जवाहर सिंह वाला में नतमस्तक होकर इस मामले को और बढ़ा दिया है। तो आगे अब हम बात करेंगे कि चरणजीत चन्नी, मुख्यमंत्री पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से भी लगातार प्रभावी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। अब इसके इन सब के बीच सुखविंदर सिंह बादल ने चरणजीत चन्नी पर बड़ा आरोप लगाया है। तो आरोप क्या लगाया हम अब इसकी बात करते हैं, आप सबको समझाते हैं कि सुखबीर सिंह बादल की तरफ से कहा गया कि चरणजीत सिंह चन्नी डीजीपी इकबाल प्रीत सिंह सहोता पर, सीएम के बड़े नेताओं पर आपराधिक मामले दर्ज करने का दबाव बना रहे हैं। यह गंभीर आरोप वर्तमान मुख्यमंत्री के ऊपर लगा हुआ है। यह जानकारी उन्होंने एक बड़े पुलिस अधिकारी से मिलने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बड़ी जानकारी है ये एक पुलिस अधिकारी से हमें मिली हुई है। तो अब हम आगे बताते हैं आपको कि सीएम अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा कोटकपुरा गोलीकांड के मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी के साथ बैठक कर रहे हैं और एसआईटी के अधिकारियों को मामले में सीएम नेतृत्व को फंसाने का निर्देश दे रहे हैं। ये राजनीति तिकड़म है, ये राजनीति संग्राम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी कुछ भी आरोप लग सकते हैं। तो इस तरह की इस समय पंजाब की हालत है। एक तरफ से पंजाब में भूचाल है और इसी बीच उन्हें सीआरपीसी की धारा 164 के तहत सीएम के नेतृत्व के खिलाफ झूठे बयान दर्ज कराने के लिए कहा जा रहा है। ये बड़ी खबर पंजाब की राजनीति से है। और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे विशेष जानकारी मिली है कि डीजीपी आईपीएस सहोता को ऐसे लोगों की पहचान करने को कहा गया है जो मामले में सीएम नेताओं को फंसा सकते हैं। साफ साफ उन्होंने आरोप लगाया कि डीजीपी जो है इस तरह से मामले में सीएम के नेताओं को फंसा सकते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं, जबकि मामले में तत्कालीन आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह द्वारा की गई पूर्व जांच को रद्द कर दिया गया था
और उच्च न्यायालय ने एक नई 3 सदस्यीय एसआईटी के गठन का निर्देश देते हुए कहा था कि इसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन सीएम चन्नी व उनके मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर सिंह द्वारा अपनाई गई राह का पालन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सिख संगत को न्याय दिलाना कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता नहीं है। बिल्कुल उन्होंने कहा, जो बेअदबी का मामला हमने आपको बताया कि ऐसा लगता है कि सरकार की प्राथमिकता नहीं है। बेअदबी के संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी लगातार राजनीति कर रही है। तो आगे हम बात करते हैं, चलते हैं सीधे आपको नवजोत सिंह सिद्धू की बात बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू बना रहे हैं लगातार सरकार पर दबाव। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से बेअदबी मुद्दे पर लगातार सियासत की जा रही है। वह अपनी ही सरकार को घेरते हुए कह रहे हैं कि बेअदबी के मामले में नई सरकार 50 दिन में कुछ भी नहीं कर पाई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि चन्नी की सरकार 50 दिन हो चुके हैं और उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि 50 दिन बीत चुके हैं और अभी तक चन्नी सरकार कुछ भी नहीं कर पाई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के रोष में प्रदर्शन कर रहे सिखों पर फायरिंग करने में कौन लोग शामिल थे, इसकी जांच होनी चाहिए। तब सरकार शिरोमणि अकाली दल बादल की थी और डीजीपी सुमेध सैनी थे। वह कहते हैं कि सरकार के आदेश के बिना कोई भी अफसर फायरिंग नहीं कर सकता, इसलिए जांच करके आरोपियों की सजा दी जानी चाहिए। और आगे की बात कर लें कि बेअदबी के सभी मामलों में इंसाफ देगी सरकार, ये बातें कह रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी यानी पंजाब के सीएम। बेअदबी के सभी मामलों में इस तरह से जो पंजाब में भूचाल निकल के आ रहा है, जो राजनेताओं ने इस तरह की कमेंटबाजी शुरू की है बेअदबी के मामले में, उस मामले पे सफाई देते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि बेअदबी के सभी मामलों में इंसाफ हम करेंगे। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने हाल में ही एक भाषण के दौरान कहा था कि वह गरीब जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है, उनकी सरकार बेअदबी के सभी मामलों में इंसाफ जरूर देगी और इसके लिए वह प्रयासरत हैं। उस शख्स को बख्शा नहीं जाएगा जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके बाद ही सीएम अध्यक्ष सुखबीर बादल की तरफ से मामलों में नामजद करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह की बड़ी भूचाल इस समय पंजाब में चल रही है। तो इन भूचालों के बीच में समय सिर्फ बचा हुआ है विधानसभा का, सिर्फ जो है 5 महीने। तो अब की बार किसकी सरकार होगी, हर दिन एक नया मोड़ पंजाब में आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और अपनी राजनीति की सफाई दी जा रही है। तो हम आपको इस तरह से हर दिन दोपहर 1 बजे लेकर के आते रहेंगे कि अब की बार किसकी सरकार, और हम करेंगे हर एक राजनीति के छोटे से छोटे बिंदु की पूरी तहकीकात। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, अब की बार किसकी सरकार में मिलते रहेंगे हम आपके बीच हर दिन दोपहर 1 बजे। अभी हमें दे इजाजत, कल मिलेंगे 1 बजे, तब तक के लिए आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पर, क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर। जय हिंद, जय भारत।